ठीक है ना, ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी वेक्टर। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, वो डिफाइन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ ए से और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ सिंपली बी से, तो ये मुझे लिखना चाहिए ए डॉट बी जो है वो है सिंपली ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या बताता है, अगर मैं ए को ऐसे ही रखूँ और ये अपना बी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये एंगल जो है वो थीटा है, तो ये लेंथ क्या है बी है, तो ये बी वेक्टर है, तो ये लेंथ जो है वो बी है, ये लेंथ जो है वो ए है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बेस की जो लेंथ होगी, ये लेंथ, तो ये टोटल लेंथ जो है इस वेक्टर की ए है। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो इस ट्रायंगल में जो ये बेस है, तो इसका हाइपोटेनस ये हो जाएगा जिसकी लेंथ बी है, तो इसकी हो जाएगी बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ये बेस है। तो मैं क्या ए डॉट बी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को जो सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ए बी कॉस थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, तो यहाँ से देखें तो बी कॉस थीटा क्या, ये कंपोनेंट ऑफ बी है अलोंग ए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ए डॉट बी क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, बी कोस थीटा क्या है बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। ठीक है, तो ये एक वे है इस डॉट प्रोडक्ट को देखने की, लेकिन ए और बी तो हम चूज़ कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये मान लो ए है ये बी है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो उस केस में अगर यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो अगर इस ट्रायंगल में देखें ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब उसके अपोजिट में ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की लेंथ क्या है ए, तो इसमें ये बेस हो जाएगा, बेस की लेंथ क्या हो जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय बी। ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है,